चैनल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज है फ्राइडे, आज हनुमान जयंती भी है, तो आप सब लोगों ने तो मना ली होगी हनुमान जयंती, बट मेरे यहाँ अभी मॉर्निंग का टाइम है, इट्स 1 o'clock, और अनिरुद्ध अभी स्कूल गया हुआ है। तो सुबह बहुत हबड़ डबड़ थी, मैंने कुछ भी भोग वगैरह नहीं बनाया था, जस्ट पूजा कर ली थी मेरे हस्बैंड ने, बट शाम को डेफिनेटली मैं भोग बनाऊंगी और थोड़ी बहुत जो भी पूजा होती है वो करूंगी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और अनिरुद्ध की तबीयत अब काइंड ऑफ ठीक है, नहीं है, मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतनी ज़्यादा वेल विशेज दी उसको, थैंक यू सो मच। बट अभी अभी उसकी मैम का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले स्कूल से, उसने आज फिर से वॉमिटिंग करी स्कूल में, तो मैंने तुरंत ही उसके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, और अभी उसका 2:10 का अपॉइंटमेंट है, तो बस अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, हम लोग लंच करके फिर निकलेंगे, अनिरुद्ध को पहले स्कूल से पिक करेंगे, फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो ये सब चल रहा है काफ़ी, एक्चुअली आजकल स्प्रिंग सीजन में काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज हो जाती हैं, उसकी वजह से फ्लू बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है, तो अभी अंशी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, उनको भी स्टमक में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वही सब चल रहा है, इस वजह से थोड़े से व्लॉग्स मेरे इस वीक कम हो गए थे, बट डेफिनेटली अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बेटर होती जा रही है, तो मेरे व्लॉग्स भी अब आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए मैं अभी फटाफट से लंच बना लेती हूँ, मैंने दाल ऑलरेडी बॉईल कर ली है, मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, बट मैंने कहा चलो अब लंच बनाते हैं, तो मैंने दाल बॉईल करके रखी है, बस अभी तड़का बनाऊंगी और फटाफट से मेरे पास राइस रखा है जो मैंने सुबह बनाया था, मैं खा के और फिर निकलेंगे हम लोग। तो बस अभी मैं फटाफट से चॉपिंग वगैरह करूंगी, बहुत ही सिंपल दाल बना रही हूँ, सिंपल प्याज टमाटर का तड़का बनाऊंगी, और फटाफट जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो डेफिनेटली मैं ये चॉपर यूज़ करती हूँ। देखिए 2-3 क्लिक्स में ही मेरी प्याज आराम से चॉप हो जाती है, और टमाटर मैं इसमें चॉप नहीं करती क्योंकि टमाटर बिल्कुल प्योरी बन जाता है जो कि दाल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उसे हाथ से ही चॉप कर लेती हूँ। और ये दाल तो आप सभी लोग अपने घर पे बनाते ही होंगे, बहुत ही सिंपल होती है, जस्ट हींग जीरे का तड़का बना के और प्याज टमाटर को भूनूंगी, और उसके बाद बस थोड़ा सा नमक और कोरिएंडर पाउडर ऐड करके फिर दाल ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं ऐड करे, थोड़ी सी सिंपल ही रखी है दाल, और आज ना चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो सोचा रोटी ही बना लूँगी, थोड़ा सा टाइम था, तो अभी आटा गूंद रही हूँ, और आटा जो है मैं थोड़ा सा दूध में गूंद रही हूँ क्योंकि इससे ना रोटियों का टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है और सॉफ्ट भी रोटी बनती है। फिर अनिरुद्ध आएगा तो वो भी भूखा होता है, तो अगर वो चाहेगा तो उसके लिए भी एक बार आटा बना दूँगी, और साथ साथ अपनी किचन भी क्लीन करूँगी क्योंकि मेरा घर से ना जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे तो सामने से किचन दिखती है, तो मुझे किचन बिल्कुल भी क्लटर्ड पसंद नहीं है। जैसे ही आप घर में आओ किचन में अगर क्लटर्ड दिखे तो ऐसा लगता है कि पूरा घर फैला हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को साथ साथ अपना क्लीन कर लूँ। और यहाँ पर मेरी दाल भी बस बन गई है, मूँग की दाल मैंने बनाई है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बस बॉयल करने रखूँगी, और बॉईल होते ही थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता चॉप कर दूंगी, ऊपर से ही चॉप कर रही हूँ, आज जल्दी में हूँ तो चॉपिंग बोर्ड पे चॉप वगैरह नहीं किया मैंने। आई एम श्योर आप सब लोग ऐसे ही करते होंगे जल्दी में, अगर करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस मेरा लंच बन गया है, एक रोटी बन गई है, दूसरी मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बहुत गर्मी हो गई है तो इस टाइम लंच करने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, और स्पेशली आज चावल खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो सोचा रोटी बना लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने फटाफट से डो वगैरह बना के अपनी रोटी बना ली। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं रोटी कैसे सेक रही हूँ, ये एक्चुअली ग्लास स्टॉप वाला स्टव है, तो अगर आप इस पर डायरेक्ट रोटी सेकोगे तो वो जल जाती है, इसीलिए इस टाइप का ग्रिल आपको रखना पड़ता है रोटी बनाने के लिए, और ये आसानी से इंडियन स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग अनिरुद्ध को पिक करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 1:35 हुआ है और अभी हम रोड पे ही हैं, मुझे लगा था कि हम लोग 1:30 तक स्कूल पहुंच जाएंगे उसे पिक करेंगे, बट एनीवेज अभी 5-7 मिनट में हम पहुंच ही जाएंगे, ज़्यादा दूर तो नहीं है उसका स्कूल। और मेरी लास्ट वीडियो में कोई बोल रहा था कि मैं शायद इयररिंग पहनना भूल गई रामनवमी सेलिब्रेशन में जब मैं गई थी, तो मैं एक्चुअली भूली नहीं थी, मैंने अपने इयररिंग्स उतार के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे ईयर लोब्स में ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है समर्स में, तो समर्स में जनरली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट इयररिंग्स ही आपको दिखाई दूंगी, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता, फॉरगेट अबाउट आर्टिफिशियल, मुझे गोल्ड भी सूट नहीं करता, इसीलिए मैं हमेशा आपको शायद विदाउट इयररिंग्स ही दिखाई दूंगी समर्स में। हम पहुंच चुके हैं स्कूल में और इस टाइम बच्चों का नैप टाइम होता है तो बहुत शांति है, अंधेरा भी हो रखा था स्कूल में, बस हम अनिरुद्ध को देख रहे हैं कि वो कहाँ सो रहा है,
एंड हियर ही इज़। हमें देखते ही वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और देखिए इस संडे ईस्टर है, सो हैप्पी ईस्टर। यहाँ पे बच्चों के लिए ईस्टर प्रेजेंट्स रखे हुए थे और ईस्टर प्रेजेंट्स देखने के बाद गोविंद बहुत खुश हो गया और हमें देख के तो वैसे ही एक्साइटेड हो जाता है। तो बस डायरेक्ट स्कूल से अब उसे डॉक्टर के पास लेकर आए हैं और घर से निकलते टाइम मैंने गोविंद के लिए एक कोकोनट वाटर का पैक रख लिया था क्योंकि वो बीमार, एक्चुअली वॉमिटिंग बहुत कर रहा है सॉलिड्स खा के। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि ज़्यादा उसे सॉलिड्स की जगह मैं लिक्विड्स दूँ क्योंकि डॉक्टर भी वही कहते हैं कि जब बच्चा वॉमिटिंग ज़्यादा कर रहा होता है तो डिहाइड्रेट होने का चांस होता है। इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि उसको शिकंजी, कोकोनट वाटर वगैरह ज़्यादा दूँ जिससे कि वो डिहाइड्रेट ना करे। और वो अपने ईस्टर प्रेजेंट लेके बहुत खुश है, उसे एग्स देख के बहुत खुशी हो रही है। सो फ्रेंड्स, अभी शाम का 5:30 बजा है और मैं आपको दोपहर के बाद अब मिल रही हूँ। एक्चुअली हम लोग गोविंद को दिखा के काफी लेट हो गया आज आने में। 4 o'clock हम लोग आए थे और आते ही मुझे इतनी तेज हेडेक हो रहा था क्योंकि यहाँ की धूप बहुत ज्यादा हार्श होती है। आप लोगों के यहाँ कैसा वेदर है मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ तो बहुत ब्रूटल समर्स होती है और वो स्टार्ट हो गई है और इसकी जान बसी हुई है इन एग्स में, ईस्टर एग्स जो आज उसे मिले हैं। सो मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। एक्चुअली इसके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं आज क्योंकि डॉक्टर इज नॉट श्योर कि इसको इतनी वॉमिटिंग हो क्यों रही है। इसकी GI के साथ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ मंडे को अपॉइंटमेंट भी है टू मेक श्योर कि उसके स्टमक में कोई इशू नहीं है। सो वो भी है और डॉक्टर ने बोला कि सारे टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो इट माइट बी बिहेवियरल टू, क्योंकि उसने अभी प्री स्कूल जाना स्टार्ट किया है। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वो पहली बार कहीं बाहर जाते हैं या अपने घर से दूर रहते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है। क्योंकि मैंने डॉक्टर को जैसे बताया कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने गोविंद को बाहर भेजा है, कभी भी वो किसी दूसरे बंदे को उसने देखा ही नहीं अपने मम्मा डैडा के अलावा, तो शायद उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है बाहर जाने की वजह से, ये भी रीजन हो सकता है। तो वही सब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि दे विल डू ऑल द टेस्टिंग एंड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, और अगर फिर ऐसा होता है तो दिस माइट बी बिहेवियरल एंड वो फिर धीरे धीरे बच्चा खुद ही समझेगा। तो देखते हैं क्या रहता है। मंडे को भी जाना है GI के पास और अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़े फोल्ड। थोड़े से कपड़े हैं, मैं डेली वॉश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे लॉन्ड्री का लोड नहीं रहता है। आज ना मैं भोग के लिए मावा की बर्फी बना रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में मावा नहीं है तो मैं फुल क्रीम मिल्क को ही गाढ़ा करके बर्फी बनाऊंगी। और जो यहाँ का फुल क्रीम मिल्क होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल सॉलिडिफाई नहीं हो पाता, बट अब जो भी है घर में उसी से काम मैं चला रही हूँ। जो ग्लास बॉटल में फुल क्रीम मिल्क आता है ना उससे मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बट आज घर पे वो भी नहीं था तो जो प्लास्टिक बॉटल वाला दूध था उसी से मैं काम चला रही हूँ। और मैंने गर्म दूध में थोड़ा सा केसर भी ऐड कर दिया था तो देखिए दूध का कितना सुंदर ह्यू आया है येलो कलर का। और देखिए यहाँ पे मेरी बर्फ़ी जो है जमना शुरू हो गई है, तो बस लास्ट में थोड़ी सी चीनी इसके अंदर मैं डाल दूँगी, उससे भी कलर बहुत डार्क और अच्छा हो जाता है। और बस इसे थोड़ा सा और चलाऊंगी मैं, उसके बाद एक प्लेट पे इसे मैं सॉलिडिफाई होने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ प्लेट को पहले और उसके बाद इसे मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। 5 से 10 मिनट में ही ये जो है थोड़ा सा सेट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। कैसा बना यार, बहुत अच्छा बना है, दिल की इच्छा पूरी रहती है ताई ताजी मिठाई खाने की। थोड़ा सॉलिडिफाई कम हुआ है बट वैसे बहुत अच्छा बना। गोविंद व्हाइट चॉकलेट खानी है आपको? व्हाइट चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, वाह। तो आज बर्फी बहुत अच्छी बनी है। ऐसा होता है ना जब हम भोग के लिए कुछ बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनता है, मीठा भी एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ना ज्यादा ना कम, तो सभी को बहुत अच्छी लगी। और अभी हम लोग शायद सोच रहे हैं कि पार्क लेके जाएं अनिरुद्ध को क्योंकि काफी टाइम हो गया और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा चीयर अप हो जाएगा। और हम लोग पार्क आ गए हैं और इस टाइम का वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, जब धूप चली जाती है ना तो हवा चलने लगती है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। बस तुरंत अभी 15-20 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा, देखो कहीं कहीं अंधेरा कहीं कहीं लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है इस एंगल पे। और अनिरुद्ध अभी झूला झूल रहा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ।
वो देखो डैडी के साथ। तो अभी हम लोग आए हैं मिडिल ईस्टर्न मार्केट। शायद मैंने ये मार्केट कभी भी आपको व्लॉग्स में अपने नहीं दिखाया, बट ये मार्केट मुझे बहुत पसंद है, इंडिया की फील दिलाता है और यहाँ का फलाफल बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे बना बनाया फलाफल मिलता है, और यहाँ के फलाफल मिक्स भी मैंने ट्राई किए हुए हैं सदफ ब्रांड के, देखिए ये वाले बहुत अच्छे होते हैं ये। हम कभी कभार आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए आज हमें एक अच्छा बादाम मिला, मुझे बहुत पसंद है ये बादाम, मैं इंडिया में बहुत खाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो मैं आज लूँगी जब इतनी दूर आई हूँ तो। और मुझे कुछ डेट्स लेने थे तो डेट्स भी मैंने ले लिए। यहाँ पे बहुत वैरायटी के डेट्स होते हैं तो मैं कंफ्यूज ही हो गई थी कि मुझे कौन सा चाहिए। और ये देखिए हुक्कास बहुत कलरफुल लग रहे थे तो सोचा एक क्लिप लूँ आप सभी लोगों के लिए। सो आज मिडिल ईस्टर्न मार्केट से मैंने बस दो ही चीजें ली हैं, ये कच्चा बादाम, ये मैं इंडिया में बहुत खाती थी और मुझे बहुत पसंद है। हम मिडिल ईस्टर्न मार्केट जाते रहते हैं क्योंकि वहां पे काफी कुछ कभी कभार ना नई चीजें मिल जाती हैं जो हम इंडिया में खाते थे। तो आज मुझे ये मिल गया, मैंने ये ले लिया और आधा हम कार में ही खत्म कर चुके हैं। और मैंने कुछ डेट्स लिए हैं क्योंकि डेट्स अच्छा रहता है ना खाना। और बस अभी मैं थोड़ा सा अपना तेल गर्म कर रही हूँ, ऑयलिंग करूंगी, कल हेड वॉश करूंगी। और अनिरुद्ध बहुत क्रैंकी हो रहा है, डैडी के पास बिल्कुल नहीं रुक रहा, तो बस उसे मैं अब सुलाऊंगी, शायद थक बहुत ज्यादा गया है वो। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए आए हैं। तो फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।